परमात्मा रुस जाए तो सारी सरकार भी रुस जाए। इतने बड़े धोखेबाज कहे कछुए करने को काम नहीं, इतनी गंदी सरकार जिसकी कोई सीमा नहीं। कर्ज इतने कर्ज हम पर पटेंगे ना भैया, बता कौन को पटा में, हम बैंकन को पटा में, कई बार कर्ज ले रखे खेत पट्टी पे ले रखे उनको पटा में, और जब आवे तो जिनका खेत नाम उनके नाम आ जाए पट्टे वाले फिर गए कुआ में। मैं आप कह रहा कहता हूँ कि मेरे बालकन के खाने तक ना जनी है, किसान तो पागल बना दिए सरकार। मतलब इतनी झूठ क्यों ये सरकार की दाई गंदो कोई व्यवहार कोई भी कांग्रेस भी नहीं आई जितनी बीजेपी है। 5 किला नष्ट हो गया भाई साहब पट्टे इनके खेत है, पता कहाँ थे पूर्ति करें, कितने एकड़ की फसल, कितना पट्टे पे कितना खेत आप, 5 किला जी 5 किला और कंधा पे धान आ रहा, जाके देखो मौके पे हैं कितने पैसे को, 1.5 लाख को और 1 लाख उसमें लागत लगा दी मैंने 5 किलान में, पूरा खराब हो गया, पूरा खराब भाई साहब मौके पे देख लो आप उसका पैसा, फोटो ले जाओ जाके देख दुगनी आ रही है मोदी जी की, या जरूर दिखा दीजिए जो हमारी एरिया दुगनी आ रही है, तो हमारा नष्ट ना होते पानी निकल जाता भाई साहब हमारो, या पानी न मारे हम तो दुगनी आ रही है, ठीक है किसान की दुगनी आ रही है मोदी जी देख लियो और योगी जी भी देख लियो दुगनी आए थे कैसे हुए करे, सरकार तो बिल्कुल न्यू लगा ले मरने की कगार पे भैया, अरे कदम में कोई पीछे फिर के भी ना देखे पानी कैसे भर हुआ है कोई पीछे फिर के समझ में, नष्ट कर दिया हमारा मामलो सब, हम कर्ज इतने कर्ज हम पटेंगे ना भैया, बता कौन को पटा में, हम बैंकन को पटा में, कई बार कर्ज ले रखे खेत पट्टी पे ले रखे उनको पटा में, और जब आवे तो जिनका खेत नाम उनके नाम आ जाए पट्टे वाले फिर गए कुआ में सारे, जिसमें पट्टे है 4 आदमी देख के पूछे कौन किस पे पट्टो है उसके नाम लिख के भेजे कच भेजे जो कच, इसलिए बैसाख की फसल में हमारे गेहूं नष्ट है, तो मैं उन गेहूं में घुस घुस के दिखाई हमने पटवारी है, पहली बात तो पटवारी हमारे यहाँ आके राजी नहीं है, नेपाल के कहा चले तहसीलदार भी अब कल परसों यहाँ इंक्वायरी करने के लिए देखने के लिए, वो SDM भी आया उसने भी बात कही कि माफ जा तो सरकार के बस की है नहीं, अब सरकार के बस के नहीं है तो एक गोला गिर दे काम पे जैसे जो खत्म है, हमारे अगर उनके बस की ना तो हमारे बीमा काटे क्यों, छुट्टी छोड़ो हम लामे KCC बनवा के लामे वहाँ फटाक जैसी ना काट ले देने के नाम पे अठन्नी ना यू है रो जी। इसमें ये गई खाली सरकार मंच मंच पे ही बोलती है बोलती बोलती है करती कुछ नहीं, करती कुछ नहीं है, कुछ नहीं करती है, जितनी अब ये किसान तो पागल बना दिए सरकार, मतलब इतनी झूठ क्यों ये सरकार की दाई गंदो कोई व्यवहार कोई भी कांग्रेस भी नहीं आई जितनी बीजेपी है। मैं आप कह रहा कहता हूँ कि जिस टाइम पे मेरे गेहूं करे मैं स्टेट बैंक में गयो मेरे खाते वहाँ से 2 लाख को मेरे किसान कार्ड मैंने जाके वाते फील्ड ऑफिसर तक गई जाके सर बात ऐसी है कि मेरे बालकन के खाने तक ना जनी है मेरे जो का आप जो का इंक्वायरी करो और उसकी तहकीकात करो मैं कहाँ से पैसा भरूंगा, बोल भाई हम क्या करें, अरे करेगा क्यों नहीं जब मेरा मैंने की बीमा निकाल मिले बीमा कटो कि नहीं कटो मैंने कागज निकाले बोल बीमा तो कटो, तो बात ये हुए 15 दिन है कि घूमते कागज बना दी कभी छाता जा कभी कभी वहाँ जा कभी वहाँ जा, और लास्ट में क्या कहती सरकार करेगी जब देखी जाएगी हमारे बस की कोई बात नहीं, इतनी गंदी सरकार जिसकी कोई सीमा नहीं। मौके पे भाई साहब खाने का नाज नहीं है, खा नहीं सके नाज हम ऐसे नाज है मार्टिन के उनके चिड़िया की जीव, बताओ हम कैसे करें भाई साहब, पुराना नाज खाओ बताए नया नाज खाने को ना हमारे पास में सब कर गो क्या करे करे कर आए चौपे भी नहीं खा रहे हुआ। प्रति एकड़ कितने रुपए नुकसान हो गया आपको? हमारा कम से कम आज 50,000 रुपए का एकड़ नुकसान है, 50,000 रुपए में वो बता रहे मतलब 50,000 में 40,000 पट्टेन पे उसमें फिर लागत लगी पड़ी है, बताओ कहाँ तो बालक ने पढ़ा हमें कहाँ देगा कर्ज दें इतनी बड़ी खुआरी। अब क्या मांगा आपकी सरकार से? अरे सरकार देगी कहाँ भैया, हमें तो परमात्मा तो मांगे नहीं सरकार कहाँ देगी बता, ना सरकार तो ये मांग हमारी कम से कम जो ये नाला निकाला है ये बरका ड्रेन है, ये 10 गांवों का पानी इकट्ठा होता है यहाँ, हमारी इतनी भी सुनाई नहीं करती गवर्नमेंट कि इस नाले की जो पिचिंग भरने के लिए कही थी हमारी पिचिंग अगर भर जाए तो हमारा गांव बच जाए। हमारे जिम्मेदारों की इतनी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, क्योंकि अब हम किसके सहारे जी में भाई, हम तो जिम्मेदार आदमी है किसान आदमी है खेती के ऊपर है हम, अब हमारी जो ये अगली जो हमारे जो बच्चे हैं अगली जो हुए है हमारी पीढ़ी ये भी ऐसी चली जाएगी जैसे हम जा रहे हैं या गुजरते हुए देखते हुए, अब ये अब हमें हमारी पूरी जमीन इसी वाम है, आगे जमीन हमारी कितनी है नहीं जिससे हमें कोई सहारा मिल जाए। भैया कहाँ थे दिन बालकन पढ़ा हमें, कहाँ थे इनके ब्याह शादी करें, बालक हमारे फुटपाथ में बैठे हैं बताओ, 3 साल 3 फसल थे हमारे परे, पिछले साल धानते अब के गेहूं थे और अब धानते
मौके पे देख रहे हो हमारे जाके भाई साहब खरो खड्डे पे बताओ बुबजा बुबने को उम्मीद नहीं है एक लाख रुपए माफ हुए थे किसी के हमारा ना हो भैया कच्छ ना हो भैया सुनो सुनो मैं बताऊंगा बेईमानन के हुए ईमानदार के काई के दिला हुए पूरे बेईमानन के जो डिफॉल्टर है उनके है और जिनके जो जिनके खाते सही चल रहे हैं उनके कितने कम हुए काय के 500 काय के 2000 बैंक वाले क्या बोले थे बैंक वाले कह रहे थे कि आप तो बराबर भर रहे हो ना बैंक वाले को बोल रहे थे कि आप तो बराबर भर रहे हो तो माफ नहीं हुए ये कहानी बैंक वाले न्यो कहते हैं बोलो ईश्वर की माया है हम क्या करें इसमें या चीज और कहते हैं बैंक वाले कोई कोई तरीका है बैंक वाले द्वारा अरे जा आके देखो एक सर्वे करो बीमा कटवाओ हर चीज हमारे नाले साफ होती पानी ना भरते ना तो हम इतने मतलब ना होते जैसे करिए यू मामले चार चार गामन को छह छह गामन पानी यहाँ मैं आरोदे छाती पे हाँ जरूर थी आज बताओ हमने की अगर परमात्मा हमारे संग इतना बुरा ना करते तो हम मीडिया वाले इनकी क्या जरूरत थी बुलाने की क्या सरकार से डिमांड करने की जरूरत थी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन जब परमात्मा रूस जाए तो सारी सरकार भी रूस जाए इतने बड़े धोखेबाज कहें कछुए करने को काम नहीं जनवरी फरवरी में इनके ठेके छूट जाएं सफाई कब होगी जुलाई में जबकि मई जून में है जानी चाहिए जबकि नाले जो है सब सूखे हुए हमें जब तो कर जाए जब धान लग जाए जब सफाई बारी हमें क्योंकि पैसा बच्चे को कैसे ने जितने भी ये अधिकारी हैं जितने भी मंत्री गण हैं इनको पैसा कैसे इनके पेट में जाएगा वैसे ज्यादा ज्यादा की दूनी आय करेंगे दूनी आय करेंगे हमारी दूनी का रही सही छीन लई ग्रह के भी खा गए 10,000 रुपया लगा देंगे लाखों के जो का अपने पेमेंट है जाए ना सर के शो में फटकार के भैया 15 दिन है गए रोटी पेट में ना जा रही है नो लगा रहा एक रामवीरा बुखारी को 25 किलो करे हैं वाके खराब है और 10 लाख को पट्टो है और 1 लाख की दवाई गिर दी उन्होंने बताओ इतने बड़े नष्ट हो गए भैया कई दिन में ही ना रहे